Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 29th of February आपके लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे सभी राशियों की, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर सकते हो। ये सैडनेस अंदर से है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन भी हो सकता है कि पास्ट में अगर आपने आपके शब्दों की वजह से अगर आपने किसी को आहत किया है, हर्ट किया है, तो आज उसका रियलाइजेशन आपको हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा खुद भी इस बात को सोच करके सैड महसूस कर सकते हो, अकेला महसूस करोगे बहुत ज़्यादा। कलर की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस कार्ड्स आई हैं नाइट ऑफ कॉइंस एंड 6 of cups। किसी पुराने प्यार की आज वापसी हो सकती है, उसके साथ वापस से बातचीत शुरू हो सकती है, रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि पुराने प्यार की वापसी तो हो रही है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप वापस फिर से रिश्ते में आ जाएँ। तो आपको दो बार सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। पेमेंट्स के मामले में, पैसे के मामले में दिन थोड़ा सा स्लो रहेगा। कुछ खास गति आज के आपके दिन में दिखाई नहीं देती। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कार्ड की अगर हम बात करूं कलर की, तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। कार्ड्स आए हैं द लवर्स एंड 3 of pentacles। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आज आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, आज आपके सामने ये रिवील हो सकता है, ये सच्चाई सामने आ सकती है कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ में भी बातचीत कर रहा है या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तीसरे इंसान की एंट्री की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। आपका ध्यान आज काम की तरफ नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पर्सनल डिस्टर्बेंस आपके ऊपर हावी रहेगी और आपका सारा ध्यान जो है आज आपके पर्सनल लाइफ में ही रहने वाला है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू इन्वेस्ट समवेयर। राइट, कलर्स की अगर हम बात करें तो स्काई ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर लकी रहेंगे। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 और नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कार्ड्स आए हैं 8 of cups एंड 2 of pentacles। आज आपकी लाइफ से कोई टाटा बाय बाय कर सकता है। जी हाँ, कोई आपका अपना आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा लाइफ में, या फिर आप किसी ना किसी की तरफ आज पीट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि किसी रिश्ते के साथ आज आपका सेपरेशन दिखाई देता है। वहीं काम में जो है आपकी उलझनें बड़ी हुई हैं, आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। एक नहीं, दो दो कामों को आज आप एक साथ मैनेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कलर की अगर हम बात करें तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। आगे बढ़े बात करें अगली राशि की जो है लियो यानी कि सिंह राशि। कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ एंड 4 of pentacles। काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखने की आवश्यकता है आपको। क्यों? क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था और आपकी इन्वेस्टमेंट फंस गई है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो पैसे को लेकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की थी तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई शॉकिंग एंड सैड न्यूज़ आज आपको सुनने को मिल सकती है। नई जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। होल्ड कर लीजिए अभी उस पेमेंट को कहीं ना कहीं। और पर्सनल रिश्तों के अंदर भी कहीं ना कहीं जदोजहद मची हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का भरा जो है दिन आपका रहने वाला है। कलर की अगर हम बात करें तो पर्पल कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कार्ड्स आए हैं 6 of swords एंड जस्टिस। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी आपका चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, तो उसमें फैसला जो है आज आपके पक्ष में हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में कहीं पे रिवर साइड जो है यहाँ पे ट्रैवल करने जा सकते हो, या फिर वाटर बॉडी के कहीं पे भी नज़दीक जो है आप ट्रैवल के लिए यहाँ पर जा सकते हो। उसके लिए समय बहुत ही उत्तम है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आज आपको जो है जेल यात्रा भी यहाँ पे हो सकती है। तो किसी भी ऐसे अननेसेसरी झगड़े में आज आपको पड़ने से जो है बचना चाहिए। कलर की अगर हम बात करें तो गोल्डन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। यानी कि तुला राशि। कार्ड्स आए हैं 4 of swords एंड 8 of wands।
आपका मन बहुत है कि मैं बाहर जाऊं, ट्रैवल पे चले जाऊं, कहीं पे घूमने फिरने चले जाऊं, लेकिन आपकी सिचुएशन आपको अलाउड नहीं कर रही है। आपका मन बहुत है घूमने जाने का, ट्रैवल का, लेकिन आप इस कदर फंसे हुए हैं कि चाह करके भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उस ट्रैवल की कैंसिलेशन मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से आप मुझे काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे हैं। तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आज इम्पैक्ट आपकी दिखाई देती है, ऐसा हो सकता है। काम को लेकर के भी कुछ खास मैंने आपको बताया कि कोई खास स्पीड अप या कुछ भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। आज का जो दिन है वो आप बहुत मैक्सिमम अपने पे ही लगाने वाले हो, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज आप घर से बाहर ही ना निकलें। कलर की अगर हम बात करें तो ग्रे कलर लकी रहेगा, नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो कार्ड साइन है 5 of Wands एंड 8 of Cups। आपके आज अपने अपनों के साथ में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लड़ाइयों की वजह से मनमुटाव हो सकता है, और लोग आपस में रिश्तों में से एक दूसरे की तरफ पीठ करके अलग अलग रास्तों पर निकल सकते हैं। घर में प्रॉपर्टी को लेकर के भी कलेश हो सकता है, और आज आप अपने बड़ों से रूठ करके कहीं ना कहीं हो सकता है शहर छोड़ करके, देश छोड़ करके जाने का डिसीजन भी ले सकते हो। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कलर लकी रहेगा, नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस कार्ड साइन है 5 of Cups एंड 5 of Wands। हर तरीके से डिस्टर्बेंस वाला दिन दिखाई दे रहा है, काफ़ी सैड भरा है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, लड़ाइयाँ होंगी, इमोशंस के मामले में भी प्रॉब्लम है, काम को लेकर के भी, यानी कि वर्क प्लेस पे कलीग्स या बॉस के साथ झगड़े हो सकते हैं। वहीं पर अगर आप घर में रहे तो माता या पत्नी के साथ कलह हो सकता है, तो आपको लिटरली फीलिंग आ सकती है कि आज कहीं पर भी शांति नहीं है। तो कोशिश कीजिए, एक मेडिटेट कीजिए, बिना किसी बात के किसी के साथ में कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करनी, और जितना हो सके आज का जो दिन है किसी मंदिर, किसी शिवालय में अगर आप बिताएंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा, नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का साया द सन एंड द 9 of Wands। एक तरफ जहां आज आपका यश जो है बहुत बढ़ सकता है, फेम में जो है यहां पे वृद्धि हो सकती है, वहीं पे आपकी हेल्थ आज आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपको किसी रैली वगैरह के लिए अगर कहीं बाहर जाना है, कोई पब्लिक इवेंट आज आपको अटेंड करना हो सकता है, लेकिन आज आपकी हेल्थ इस चीज़ का परमिट यहाँ पर नहीं कर रही है। आज के दिन आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है आपके काम के लिए, आज आपको जो है यहाँ पर कोई ना कोई पुरस्कार भी जो है सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा, नंबर्स की बात करूं तो नंबर 9 आपके लिए लकी रहेगा। एक्वेरियस कार्ड साइन है 4 of Cups एंड 10 of Cups। एक तरफ इमोशनल फुलफिलमेंट है और एक तरफ आप अनहैप्पी भी हैं। जी हाँ, बहुत ही मिक्स्ड इमोशन वाला दिन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आपके पर्सनल रिश्तों की, फैमिली की, तो उसके अकॉर्डिंगली समय बहुत ही अच्छा है, दिन अच्छा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी, हंसी खुशी के साथ आप अपने परिवार के साथ दिन बिताएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि वर्क प्लेस पर आपका टाइम कैसा रहने वाला है, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। आप खुश नहीं है किसी चीज़ से, कहीं ना कहीं किसी कलीग के साथ ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपको काफ़ी हर्ट कर देगी, एंड आपको जो है अपने वर्क प्लेस पर आज अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी। कलर की मैं बात करूं तो ब्लू कलर लकी रहेगा, नंबर्स की बात करें तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। पाइसिस यानी कि मीन राशि का साइन है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस एंड द सन। काम को लेकर के करेंगे नई शुरुआत, दिन आपका सुपर पॉजिटिव है, जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम बन जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट, सैडनेस आज आपके आड़े नहीं आ सकती। दिन आपका सुपर पॉजिटिव, सुपर ब्लेस्ड एंड सुपर लकी है। कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर लकी रहेगा, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 यानी कि सन का जो नंबर है वो आज आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था आपका आज का टेरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।